बेसिकली जो हम डिफरेंट ऑब्स्टेट की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं बेटा, तो हम लोगों ने पहले डी ब्लॉक एलिमेंट में डिस्कस भी किया था कि जनरली आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टेट स्टेबल होते हैं उनके लिए कौन कौन से फैक्टर थे, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो। हमने जैसे डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिगार्डिंग किया था, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के रिगार्डिंग किया था, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टेट थे उनकी स्टेबिलिटी की हम बात करते थे वहाँ पर। तो उन्हीं के बेसिस पे जनरली हमारे पास क्या है, ये कुछ मेथड्स हैं बेसिकली, लैटिमर फर्स्ट एंड पोरबॉक्स डायग्राम्स होते हैं जो बेसिकली, बट हम जो यहाँ हमारे सिलेबस का पार्ट है वो सिर्फ लैटिमर और फ्रॉस्ट डायग्राम है। ओके बेटा, उनको तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लैटिमर डायग्राम। बेसिकली लैटिमर डायग्राम है क्या चीज़? कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा फॉर द हाफ रिएक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट ऑफ स्टेट। क्या मतलब क्या है इसका? जैसे मान लीजिए आपका एक एलिमेंट है कोई भी, और वो एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑफ स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका मैग्नीज है, मैग्नीज प्लस टू स्टेट में भी मिल सकता है, मैग्नीज प्लस थ्री में भी मिल सकता है, प्लस फाइव में, प्लस सेवन, इस तरह से। ऐसे जैसे आयरन है प्लस टू में भी मिल सकता है, प्लस थ्री में, हायर ऑफ स्टेट में भी मिल सकता है। तो जनरली ये लैटिमर डायग्राम में एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है कि जो वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में जो वो एलिमेंट मिलता है, तो उनको क्या करते हैं हम, उनके जो हाफ रिएक्शंस होंगी जो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, हम उनको मेंशन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायग्राम से ड्रॉ करते हैं उनका। लेफ्ट टू लेफ्ट लेफ्ट साइड को हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले स्पीसीज को रखते हैं जिसके अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और फिर ऐसे ही डिक्रीज होता हुआ राइट साइड को लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मिला जाता है, ठीक है। बेसिकली उसमें करेंगे क्या, अभी मैं सिर्फ एक दो चीज़ें बता रहा हूँ उसके बारे में, अगले अगले जो स्लाइड होगी उसके अंदर हम बताएंगे एक्चुअल में ड्रॉ कैसे किया जाता है और उसका क्या रिप्रेजेंटेशन है, कैसे डील कैसे किया जाता है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट वाला जो होगा उस स्पेसिस को हम लेफ्ट साइड रखेंगे और लोवेस्ट वाला राइट साइड को होगा बेटा। उसी तरह उसमें क्या, सिर्फ हम रिडक्शन पोटेंशियल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हाफ रिएक्शंस लिख रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिख रहे, मतलब बैलेंस करके नहीं लिखेंगे उसमें लैटिमर डायग्राम के अंदर। लैटिमर डायग्राम से अलावा अगर आप लिखना चाहते हो तो वहाँ हम कंप्लीट लिखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं इस रिएक्शंस में, कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं या एच पॉजिटिव है, बट जब लैटिमर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें उस डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मेंशन नहीं करना है, एच पॉजिटिव नहीं के बारे में मेंशन करना है कि प्रोटॉन वगैरह यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे, या वाटर मॉलिक्यूल, मतलब बैलेंस नहीं करनी हमें वो रिएक्शन, जस्ट हमें हाफ रिएक्शन सिर्फ वो स्पीसीज का वो आयन लिखना है जिसके अंदर ऑक्सीडेट पर्टिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। और जनरली जब एक कपल बनेगा, मान लीजिए लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहा है कपल, जिसे एक ऑक्सीडेट से दूसरे ऑक्सीडेट में जब स्पीसीज जा रहा है, ठीक है, जो आयन उस आयन स्पीसीज के अंदर जो एलिमेंट है वो डिफरेंट ऑक्सीडेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके जो एक एरो से जो आप रिएक्शन के लिए मेंशन करते हो उस एरो के जस्ट ऊपर हम उस पर्टिकुलर कपल के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। ओके बेटा, जो स्टैंडर्ड ऑब्वियसली बात है बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो यूज़ करते हैं बेसिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होता है इन वोल्ट्स के अंदर, उस ओरिजेंटल लाइन के ऊपर हम उसकी वैल्यू लिखते हैं जनरली बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेट के लिए जो होंगे। जैसे मान लीजिए आयरन की ही बात करें हम, आयरन हमारा ना बेटा डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे आप यहाँ देखिए Fe(O)4 2-, इसमें आप देखिए आयरन का ऑक्सीडेट कितना है, आप में से कोई बता सकते है मुझे? इसके अंदर आयरन का ऑक्सीडेट कितना है Fe(O)4 2- में? प्लस +6। वेरी गुड। ओके बेटा, आयरन थर्ड ऑक्सीडेट Fe3+, Fe2+ एंड Fe(O)4 इन जीरो ऑक्सीडेट। तो बेसिकली जब ये मान लीजिए हम ये इनकी कंप्लीट रिएक्शंस लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसी को उठा रहे हैं आयरन Fe+2 से +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू आयरन, क्योंकि देखो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है और यू कैन से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि तब हम जनरली लिखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही हम ये रिएक्शंस को लिख रहे हैं एक तरह से। ये हमारा लैटिमर डायग्राम नहीं है बेटा, याद रखना ये लैटिमर डायग्राम नहीं है, वो लैटिमर डायग्राम तो हम नीचे लिखेंगे, हम तो पहले आपको बता रहे हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में इनकी वैल्यूज़ कितनी है। बेसिकली आयरन +2 स्टेट है, ठीक है बेटा, बेसिकली ये Fe2+ है, इसके साथ ब्रैकेट में आप एक्वा सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन में ही प्रोसीड करेंगे ये। दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा,
आयरन इन जीरोम स्टेट, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -0.47 इन वोल्ट। ओके बेटा, सेम केस में आयरन जब प्लस थ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहा है और आयरन जीरो बना रहा है, इट मींस क्या है उस केस के अंदर आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू -0.057। ओके बेटा, एक केस ये भी हो सकता है कि आयरन जब Fe प्लस स्टेट से प्लस टू स्टेट में जब जाएगा, यानी कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ओके, और इस केस के अंदर आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.77 वोल्ट। ओके, और जो आपका ये आयरन जो हाईएस्ट स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उस केस के अंदर, ये कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए, क्योंकि देखो बेटा ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन यहाँ प्लस सिक्स स्टेट से प्लस थ्री स्टेट में जा रहा है, इट मींस क्या है, क्योंकि जब आप बैलेंस करोगे इस रिएक्शन को तो आपको, क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली बात है वो यहाँ निकालोगे तो बाहर ऑब्वियसली बात है वाटर मॉलिक्यूल बनेगा राइट साइड को, तो उसको बैलेंस करने के लिए एच पॉजिटिव कितने लगेंगे, 8 एच पॉजिटिव लगेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ओवरऑल ये कंप्लीट रिएक्शंस हैं कुछ जो हम इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल के टर्म में हमने मेंशन की हुई, ये हमारा लैटिनर डायग्राम नहीं है, हम जस्ट बता रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट में आयरन एग्जिस्ट करता है तो बेसिकली उनकी जो स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी। यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई जो बेटा मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। देखो बेटा कोई भी कंफ्यूजन है डोंट वरी, आप मुझसे पूछिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज हम इसको डिस्कस करेंगे तो उसके बाद दोबारा हमें ना पढ़ना पड़े, क्योंकि जल्दी हमारे एग्जाम होने हैं तो हमें क्लियर हो जाए। फिर भी इन केस फिर भी किसी का रह जाए तो डोंट हेजिटेट, जस्ट कॉल मी और यू कैन से मैसेज मी, हम दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, अब ये स्पीसीज जो एग्जिस्ट कर रही है तो हम इसको क्या करेंगे, हम लैटिमर डायग्राम के टर्म में मेंशन करेंगे बेटा इसको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड को जो आपने मेंशन करना है, लेफ्ट साइड को हाईएस्ट ऑक्सीस्टेट वाली स्पीसीज लिखेंगे, मतलब वो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसके अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है वो स्पीसीज को आप सबसे लेफ्ट लिखोगे। हम यहाँ से जब इसको लिखना शुरू करेंगे यहाँ, तो लेफ्ट साइड को वो स्पीसीज मेंशन करेंगे जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का हाईएस्ट हो। तो इनमें से बताओ किसको लिखूंगा इधर, सबसे इधर Fe2-. वेरी गुड, यानी कि सबसे पहले ये स्पीसीज लिखा जाएगा हमारा। ओके, यानी नंबर वन पे ये स्पीसीज आ जाएगा जब हम लेफ्ट से अभी लिखेंगे, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, पहले नंबर पे आएगा। आफ्टर दैट देखो ऑक्सीजन स्टेट किसका इसे लोवेस्ट है, फिर उसके बाद उसका नंबर आएगा, बताओ सो देख के बताओ, एरो बना देंगे, उसके बाद कौन सा स्पीसीज आएगा यहाँ? Fe3+. वेरी गुड, ये वाला ये पोजिशन, इसकी पोजिशन यहाँ आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके क्लियर, ये टू नंबर पे आ जाएगा। वेरी गुड, आफ्टर दैट Fe2+. वेरी गुड, फिर आफ्टर Fe2+ ये थ्री नंबर पे आ जाएगा, क्लियर, और आफ्टर दैट ये वाला आयरन जिसमें कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। ये समझ में आ गई चीज आपको, यहाँ तक समझ में आ गया ना लिखना कैसे? अब हम ड्रॉ करते हैं इसका डायग्राम, कि डायग्राम बेसिकली आएगा कैसे। ठीक है, ये देखिए जो आपने बताया बिल्कुल मैंने वैसे ही लिखा है, इट मीन्स आपको समझ में आ रही है, आपको पता है चीज़ें। देखिए सबसे पहले Fe2- आ गया बेटा, आफ्टर दैट Fe3+ एंड आफ्टर दैट Fe2+ एंड Fe, ये हमने अरेंज कर लिया। अभी ये अभी हमें क्या करना है, डायग्राम पूरा ड्रॉ करना है, अभी हमने ड्रॉ नहीं किया। ये देखिए अभी ड्रॉ हो गया, ये हो गया, एरो आ गया यहाँ के लिए, इस रिएक्शन के लिए एरो आ गया, इसके लिए आ गया, और इस एरो के ऊपर जैसे कि आपने लास्ट में बताया था कि इससे ऊपर इस पर्टिकुलर कपल के लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल, और यू कैन से इसके लिए यानी ये रिएक्शन के लिए, मैं एक बार इसको रब कर दूँ सारे को, क्लियर हो, यानी कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, 2.20 वोल्ट। तो देखो यहाँ से जब हम यहाँ तक गए हैं इस केस के अंदर Fe3+ तक, तो इस एरो लगाइए और एरो के ऊपर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मेंशन कर दी। ठीक है, ऐसे ही जब Fe+3 से Fe+2 पे जाते हैं, अब आप देखिए ये वाली रिएक्शन सेकंड वन, Fe+3 से Fe+2 पे जहाँ जा रहे हैं वहाँ वैल्यू क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, 0.77 वोल्ट, ये आ गया। ठीक है बेटा, और आफ्टर दैट Fe+2 Fe, फर्स्ट वन ये वाली, क्लियर, यानी कि -4.47। एक चीज, एक और रिएक्शन भी है बीच में, देखो ये वाली भी, क्लियर, यहाँ क्या देखो बेटा Fe+2
प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन गेन, यानी कि यहाँ आयरन जो थ्री स्टेट के अंदर है, प्लस थ्री स्टेट में है, उसने तीन इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और न्यूट्रल आयरन बना दिया है। इट मीन्स क्या है, जो ये डायरेक्ट रिएक्शंस जो चल रही हैं हमारी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी, यानी कि वहाँ से हमें क्या है एक साइड से दिखाना पड़ेगा इसका रिप्रेजेंटेशन, जस्ट लाइक ऐसे यूँ इस तरह से, क्लियर बेटा, यहाँ और यहाँ उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिख ली। ये हमारा बेसिकली डायग्राम जो ड्रॉ किए हैं हमने, ये हमारा क्या कहलाता है, लैटिमर डायग्राम। ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ आपको, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए बेटा, और प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिए, डोंट वरी एंड डोंट हेजिटेट। माइक जब भी आपको कुछ बोलना है अपना माइक ऑन कीजिए और डिस्कस कीजिए, या कुछ भी पूछिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप बताइए ये सर ठीक है हमें समझ में आ गया, क्योंकि तभी मैं प्रोसीड कर पाऊँगा अच्छे से, जब मुझे समझ में आ जाएगा कि यस बच्चों को आ गई है समझ में आ गई चीज़ें। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर, यस। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अभी आप देखिए इस डायग्राम के अंदर, यहाँ तक तो हमें समझ में आ रही है चीज़ें, यहाँ से हमने यहाँ तक पहुँचे, ये हमें नज़र आ गई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ आ गया यहाँ तक। इस चीज़ को ये थोड़ा डिफरेंट है हमारे लिए, डिफरेंट क्यों है, क्योंकि एक जो रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट चल रहा है ना, तो वहाँ डायरेक्ट ये आ नहीं, ये वैल्यू नहीं आई है डायरेक्ट, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, अगर कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है तो भी ठीक, अगर नहीं दी, मान लो ये वैल्यू दी ही नहीं होती, मान लो एक मिनट के लिए, मान लो ये वैल्यू नहीं दी होती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि जो नॉन एडजेसेंट, क्योंकि देखो ये तो सारे एडजेसेंट हैं, ये जो कपल है ये आपस में कपल है एक दूसरे के साथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कपल है, इसकी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, ये भी एक कपल है, मतलब ये सारे एडजेसेंट हैं ये एक दूसरे के एडजेसेंट, बट ये वाला जो है, ये वाला कपल Fe3 से जब हम Fe पे पहुँचे, ये नॉन एडजेसेंट है, नॉन एडजेसेंट का मतलब समझ गए ना, जैसे कंसिक्वेंटली जो चल रहे हैं, कंटिन्यूसली जो चल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली नहीं चल रहे हैं। तो मान लीजिए इस तरह के कपल के केस में अगर आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा पूछा जाए या नहीं पता, तो आपको अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो करोगे कैसे इस केस के अंदर? है किसी को आइडिया? Am I audible बेटा? आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? सर गिब्स फ्री एनर्जी निकाल के पहले। ओके, पहले गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे, आफ्टर दैट बेटा उनकी वैल्यूज को ऐड करेंगे और फिर उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड, चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कैलकुलेट कैसे करनी है। देखो डायरेक्ट नहीं करना है आपने, टू बी फ्रेंकली आपने ऐसे नहीं करना कि देखिए जी दो स्टेप में प्रोसीड हो रहा है और ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो ऐसे नहीं करना कि इस वाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इसमें आपने ऐड कर दिया और दो से डिवाइड कर दिया, टू बी फ्रेंकली ये नहीं करना बिल्कुल भी, ये वो कंसेप्ट नहीं है हमारा, क्योंकि वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखो बेटा यहाँ आप देखोगे चेंज, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो यूज़ हुआ है ना कपल में, एक इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन के अंदर चेंज हुआ है, मतलब चेंज से मतलब एडिशन हुआ है, यहाँ दो का हुआ है, ठीक है, और यहाँ ओवरऑल तीन का हुआ है, तो वो कंसेप्ट नहीं लिखना आपने। बेसिकली करना कैसे है वह मैं तुम्हें बताता हूँ कि जनरली जब आपको अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और ये वैल्यू नहीं दी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, या आपसे पूछ ही ली जाती है कि नॉन एडजेसेंट, ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया और आपसे कहा गया कि ये निकाल के दिखाइए आप नॉन एडजेसेंट स्पेसिस का, तो आपने कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली क्या चीज़ है, हमें अच्छे से आइडिया है गिब्स फ्री एनर्जी और राधरी कहें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो जो आपके जो डिफरेंट सक्सेसिव स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो किए हैं अभी, जो नॉन एडजेसेंट जो निकाल रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो दो सक्सेसिव स्टेप है, जैसे इसमें इस केस में दो हैं, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, इट्स डिपेंड ऑन कि आपसे पूछा क्या गया है, तो हम क्या करेंगे डेल्टा जी ओवरऑल हो जाएगी, ओके, और डेल्टा जी वन मतलब फर्स्ट स्टेप के लिए गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन फॉर फर्स्ट स्टेप डेल्टा जी वन, ओके, एंड जी टू को क्या कहा हमने फॉर सेकेंड स्टेप के लिए, ओके, अगेन अब हमें पता है जी कोरिलेट कर सकते हैं हम किसके साथ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ, वो फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ध्यान है किसी को, डेल्टा जी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी आ जाती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ई रिप्रेजेंट फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके बेटा, शायद भूल गए आप लोग, ध्यान होगा आई थिंक फिजिकल पढ़ते हो आप, डेल्टा जी इज इक्वल टू
माइनस एनएफई नहीं लिखते थे आप, एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इन द रिएक्शन, एफ क्या थे फैराडे कॉन्स्टेंट होता था आपका, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ओवरऑल स्टेप के लिए हमने क्या किया, एन एफ ई माइनस है, अगेन ध्यान रखना ये माइनस की वैल्यू माइनस एन एफ ई जीरो, ये ओवरऑल स्टेप के लिए। और ये जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप थे आपके उनके लिए एन वन एफ, एफ क्या है फैराडे कॉन्स्टेंट है, तो वो हर हर रिएक्शन के लिए कॉन्स्टेंट ही वैल्यू रहनी, चेंज नहीं फ्लक्चुएट नहीं करेगी। ई ई वन इलेक्ट्रो ई वन जीरो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टेप फर्स्ट, एंड ई टू इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर सेकेंड स्टेप। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको अच्छे से पता है वेयर n इज इक्वल टू, जो ये n है यहाँ n1 और n2 तो समझ में आया आपका, n क्या है इट इज द सम ऑफ द n1 एंड n2, उन दोनों का सम, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन दोनों रिएक्शंस में यूज हुए ना वो n के बराबर होंगे। क्लियर बेटा? जैसे पिछले केस में जो अभी हमने डिस्कस किया है उसके अंदर क्या था, n1 वन था, Fe प्लस थ्री से हम Fe प्लस टू पे गए थे, इट मीन्स वन इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट था, और सेकेंड स्टेप में Fe प्लस टू से Fe जीरो पे गए थे, इट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन का था, यानी कि ओवरऑल वन प्लस टू इजिकल टू थ्री, यानी कि n की वैल्यू पिछले वाले केस में क्या होगा आपका थ्री हो जाएगी। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू रखी क्योंकि माइनस है, माइनस कॉमन यहाँ लोगे और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो बेसिक फॉर्मूला बना नॉन एडजेसेंट स्पेसिस के लिए क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर नॉन एडजेसेंट स्पेसिस इज इक्वल टू एन वन, एन वन रिप्रेजेंट्स फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन स्टेप वन, ओके, एंड ई वन इज द ई वन जीरो इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टेप फर्स्ट, सेम एज इट इज। ये इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा, ये एन वन लिखा हुआ, ये एन टू है, ये यहाँ एन टू कर लेना इसको, ओके, एन टू इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन इन्वॉल्वड इन सेकंड स्टेप, ओके, इसको टू कर लेना, इसको 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 जो है ना टू कर लेना आप, इसको टू कर लेना इसको। क्लियर? और ई टू इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टेप टू, और ये यानी कि बेसिक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, बेसिकली करना क्या है, अगर आपके पास नॉन एडजेसेंट स्पीसीज हैं तो आपने डायरेक्ट ऐड करके डिवाइड नहीं करना है टू से, ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि आप देखिए उस पर्टिकुलर कपल जिसकी आप बात कर रहे हो जिसमें डिफरेंट स्टेप्स में है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड वाले स्टेप के साथ कीजिए, और फिर डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू। ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं, ये पिक्चर क्लियर है या नहीं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछिए, और अगर क्लियर है तो भी बताइए। क्लियर सर। क्लियर है बेटा, ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना। अब मैं दोबारा वहीं जा रहा हूँ, बैक पे जा रहा हूँ, कहाँ बैक पे वाला, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आप फटाफट अपनी रफ नोटबुक पे कैलकुलेट करके देखिए इससे कि क्या ये वैल्यू आ रही है या नहीं, आपके पास दो मिनट है, जल्दी फटाफट। ये दो स्टेप हैं, ये मान लीजिए डेल्टा जी वन, इसके लिए डेल्टा जी टू, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हैं, और फिर आप देखिए क्या ये वैल्यू आ रही है या नहीं, चेक करके मुझे फटाफट बताइए। और ना सिर्फ बताइए, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना नोटबुक पे, वो उसको फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप भी कीजिए, मेरे नंबर पे, ग्रुप में नहीं करना है, मेरे नंबर पे फटाफट, हरी ऐप। और जब आप भेजेंगे तो उसमें अपना नाम भी लिख दीजिए साथ में कि कौन से स्टूडेंट ने लिख के भेजा है, फोटो जब खींचेंगे उसके साथ के साथ ही, जल्दी कीजिए फटाफट, हरी ऐप, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कंसेप्ट को क्लियर करना साथ के साथ ही, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई कमी पेशी है तो अभी दूर कर लेंगे हम, कल तक वेट नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। जिसका जैसे ही सोल्व हो जाए, सोल्व करके देखना ये वैल्यू आई है नहीं, और जहां आपने सोल्व किया है नोट बुक पे वहीं साइड में अपना नाम लिखिए और फोटो क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप करो मेरे पर्सनल नंबर पे, ताकि मैं साथ के साथ चेक कर पाऊँ, अगर कोई गलती है तो मैं साथ के साथ आपको बता दूंगा, क्योंकि फिजिकल मोड में तो चीज़ें ईजी होती हैं, सामने मैं देख सकता हूँ आपके पास जाके, बट ऑनलाइन मोड में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ी सी कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा ताकि मैं चेक कर पाऊँ। हरी, आप जल्दी कीजिए।
सबसे पहले अनुभूति का आ गया हमारे पास 1. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। और करो बेटा फटाफट, देखो कुछ नहीं है, सिंपल वही फार्मूला वही ध्यान रखना है आपने, कुछ नहीं करना जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है कि साथ साथ के साथ चीजें शॉर्ट आउट हो जाएं। आप कल पे ना छोड़ो कि कल पढ़ूंगा मैं या कल पढ़ूंगी मैं, नो, साथ के साथ ही क्लैरिफाई करेंगे। ये लेक्चर रखा ही मैं ऑनलाइन मोड पे सिर्फ इसी वजह से है कि ये टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाएं, हमें कहीं कंफ्यूजन ही नहीं आए। रिया 28, हाँ इनका भी हो गया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, मतलब आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, बहुत बढ़िया। रिया 144 रोल नंबर, वेरी गुड, यही चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, जो हमें समझ में आती हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंशुल ने भी किएस दिया, वेरी गुड बेटा, ठीक है। यानी कि देखो मैं स्टूडेंट का देख के लग रहा है इट्स ओके कि आपको चीज़ कैच कर ली, आपको समझ में आ गई ये चीज़ें, ठीक है, ओके, बस यही चीज़ समझाना चाह रहे थे हम, यही चीज़ है। ईशा का भी आ गया, चलो यानी हाउ आपको समझ में आ गई है, अब आगे प्रोसीड करते हैं इसको, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए बेटा पूछ लेना, बाद में भी पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है। अब एक वर्ड आता है बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन, वर्ड आता है डिसप्रोपोर्शनेशन, क्या आप में से वो मुझे बता सकता है, किसी ने सुना है वर्ड डिसप्रोपोर्शनेशन, या इसका क्या मतलब होता है, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी को आइडिया है तो आप माइक ऑन करके आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रोपोर्शनेशन। अगर किसी को किसी तरह का आइडिया हो, ये सुना हो कभी इसका मतलब। हाँ बोलो बेटा, जब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, हायर या लोअर। वेरी गुड बेटा, और कोई स्टूडेंट अनुभूति ने बताया, जैसे कोई और भी बताना चाह रहा हो, किसी को आइडिया हो। The reaction in which an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. Very good. Basically, disproportionation से क्या मतलब है? इसे मतलब बेटा कोई भी एक species, कोई भी एक आयन, वो क्या करता है? वो decompose word लगा लो, ठीक है? चाहे यूँ कह दो कि वो particular reactions में एक से ज़्यादा state में decompose होता है, dissociate हो जाता है। But condition क्या है? वो ऑक्सीजन जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो आयन, जिसमें वो डिसोशिएट होगा, उसमें से एक स्पीसीज हायर स्टेट में होना चाहिए, ऑक्सीजन स्टेट यानी कि उससे ज़्यादा होना चाहिए, और एक का कम होना चाहिए। क्लियर? मतलब कंडीशन क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई आयन है ए प्लस है या बी प्लस है या आयरन एफ ई प्लस है, कुछ भी लगाइए, तो वो आयन डिसोशिएट हो रहा है किन टू आयन्स में, टू मिनिमम है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, कि जिसके अंदर एक में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो उसके कंपैरिजन में, यानी कि मान लीजिए ए प्लस है, मान लीजिए आपने कोई आयन लिया है, तो वो ए प्लस टू में या ए प्लस थ्री में उसे हायर वाले स्टेट में भी डिसोशिएट होए, और साथ ही अपने से लोअर, यानी कि ए प्लस है तो ए जीरो के अंदर ही है। तो इस तरह के स्पीसीज जो इस तरह के प्रोसेस में इंडल्ज होते हैं, तो उनके लिए इस प्रोसेस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। ओके बेटा, बेसिकली डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोसेस इन विच वन ऑक्सीडेशन स्टेट डिकम्पोज, ओके, डिकम्पोज फॉर्मिंग सम आयंस इन ए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सम इन ए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, इट मीन्स क्या है, यानी कि कुछ आयंस जो होंगे, सम आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदरवाइज आज द रिड्यूस्ड। ओके, क्लियर है? अब इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लैटिमर डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं, उसके संदर्भ में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में पता होना चाहिए, है ना? ये तो हमारा बेसिक चीज़ समझ में आ गई कि डिसप्रोपोर्शनेशन होता क्या है, बट क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन लिखी हमने, MMMM रिप्रेजेंट फॉर जनरल एलिमेंट, कोई भी मेटल भी ले सकते हो या कोई भी नॉन मेटल हो सकती है, ये क्या होएगा बेटा, ये डिकम्पोज होके इसने एम प्लस आयन ने एक बना दिया एम एस सॉलिड फॉर्म में, यानी कि जीरो स्टेट के अंदर, और दूसरा क्या बना दिया एम टू प्लस स्टेट के अंदर, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, यानी कि दो डिफरेंट स्पीसीज बनाए इसने डिकम्पोज होने के बाद, और एक हायर स्टेट में है और एक लोअर। इट मीन्स क्या, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्लियर बेटा? और ये रिएक्शन जो है, जो हम देख रहे हैं, हमें आपको आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है रिएक्शन,
ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? वो सिर्फ तभी होगी जिस जब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। ओके बेटा, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई स्पॉन्टेनिटी वगैरह के बारे में। बेसिकली ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जो हमें नज़र आ रही है सामने, ये तभी प्रोसीड हो सकती है जब हमारे पास इस पर्टिकुलर रिएक्शन का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेक करें और वो किससे ज़्यादा मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो, तभी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और यू कैन से दिस रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स यानी कि एम प्लस आयन डिकम्पोज होकर दो डिफरेंट आयन्स बनाएगा, जिसमें एक लोअर रंग स्टेट का होगा, उसके उसका जो खुद का आयन का जो स्टेट है उससे एक लोअर रंग स्टेट का होगा और एक उससे हायर स्टेट का होगा। क्लियर? अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई। अब हमें क्या एनालाइज करना है? हमें ये एनालाइज करना है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं लैटिमर डायग्राम, तो हम देखते हैं कि लैटिमर डायग्राम के टर्म में क्या इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन नज़र आ रही है, क्योंकि लैटिमर डायग्राम में हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट आयन डिफरेंट ऑक्सीडेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए हम लैटिमर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली जो ये ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है, हम इसको दो रिएक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, और रादर यू कैन से हाफ रिएक्शन, दो हाफ रिएक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। पहली बात तो वो कौन कौन सी रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट वन, एम प्लस एक्वस एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन गिव्स यू एम एस, और दूसरे केस में एम टू प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू एम प्लस, यानी कि ये दो रिएक्शन लिखी, और ये राइट साइड को हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन कुछ हमने इस तरह से कर दिया। इस फर्स्ट रिएक्शन के लिए ई जीरो आर ब्रैकेट में आर कर दिया, और ई जीरो एल, ये आर और एल क्यों लिखा ये भी अभी बताऊंगा मैं आपको, बट उससे पहले यानी कि जनरली हमने ये दो रिएक्शंस लिख लिए। ओके बेटा, अब हम क्या करते हैं, हम अब आप ध्यान से देखिए इस रिएक्शंस को एक मिनट के लिए। मुझे ये रिएक्शन चाहिए, ऊपर वाली रिएक्शन चाहिए, ये वाली रिएक्शन, क्योंकि हमें इसकी स्पॉन्टेनिटी का जो चेक कर रहे हैं। अब ये हमें समझ में आ गई कि टू हाफ रिएक्शन के टर्म में आप इनको मेंशन कर सकते हो, कैसे, जो ये नज़र आ रही है। ओके, अगर मैं माइनस एक इस रिएक्शन में से पर्टिकुलर इनमें से एक रिएक्शन में से दूसरे को माइनस कर दूं, ओके, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन में से मैं सेकंड वाले को माइनस कर दूं, ओके बेटा, तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई जीरो आर माइनस ई जीरो एल। ओके, जब आप इनको माइनस करोगे तो ओवरऑल यही रिएक्शन आ जाएगी जो ऊपर वाली है, ये रिएक्शन। मान लीजिए आप इसको माइनस करोगे ना, माइनस करोगे। क्लियर? अब आप देखिए, यहाँ प्लस का इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो है टू प्लस, ये राइट साइड को माइनस में है, तो हम इसको राइट साइड इधर लेफ्ट साइड को ले जाएंगे। इट मीन्स जब लेफ्ट साइड को लेके जाओगे आप दोनों को, तो ये टू टाइम्स ऑफ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस इधर है तो आप इसको इधर ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली यही रिएक्शन बनेगी जो हमें यहाँ मेंशन की हुई है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है ई आर माइनस ई एल। ये चीज समझ में आ गई या नहीं यहाँ तक? यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो, हाँ कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना बेटा, टू बी फ्रेंकली क्लियर कट है, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ई आर और ई एल का क्या मतलब है। अब मुझे लैटिमर डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा, इस पर्टिकुलर आयन के लिए, एम प्लस के लिए ही करना है, एम प्लस एम टू प्लस। तो लेफ्ट साइड को, सबसे पहले लेफ्ट साइड को मैं कौन सा स्पीसीज मेंशन करूंगा सर? एम टू पॉजिटिव। वेरी गुड, यानी कि हाँ सबसे पहले ये वाला आएगा। ओके, सबसे पहले ये नंबर वाला आएगा, ये वाला, आफ्टर दैट ये वाला, ये आ जाएगा फिर आपका एम प्लस। क्लियर? और लास्ट में क्या आएगा आपके पास, एम वाला। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा आपका एम वाला। क्लियर? अब आप देखिए इस रिएक्शन में राइट वाला पोर्शन ये वाला है, तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो भी होगी, क्लियर बेटा, उसको मैंने नाम दे दिया ई जीरो आर यहाँ, ठीक है बेटा, और इसको नाम दे दिया ई एल। क्लियर है? मैं एक्चुअल में लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, और इस टाइम माउस जो मेरा, मैं एज ए माउस जो यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ जो इनका ही खुद का ही पॉइंटर होता है वही यूज़ कर रहा हूँ, पेन वगैरह नहीं है, तो उसे मैं बेटर अच्छे से लिख पाता, बट अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, तो देख लेना जैसे भी समझ में आ रहा हो, बट बेसिकली मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो अब ये राइट साइड का है, क्लियर है यहाँ तक, यही रिएक्शन है ना? ये देखो, ये जो राइट साइड, ये लेफ्ट साइड को रिएक्शन वाली हो गई, और ये
राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही मेंशन करना है हमने उसमें। एक मिनट में दोबारा बना ड्रॉ करता हूँ। ये आपका पहला लेफ्ट साइड को लिखोगे, भूल जाओ लेफ्ट साइड वाले, इनको भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है, एक मिनट के लिए मान लीजिए कुछ भी नहीं है, क्लियर। अब आप लिखोगे, ये एक्वस में नहीं लिखते हम उसके अंदर, सिर्फ आयन से लिख देते हैं, एक्वस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा। आफ्टर दैट जब लैटिमर डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप क्या लिखोगे, मैंशन एम, ओके बेटा, प्लस वन स्टेट के अंदर, क्योंकि लेफ्ट साइड को हाइएस्ट वन होगा, फिर लोवेस्ट आएगा, फिर अगेन लोवेस्ट जाएगा, क्लियर। अब आप देखिए M2 से जब आप M+ पे गए तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, इन रिएक्शंस को देख के बताइए। E0L, ठीक है, यही ना, ये वाली, ओके EL। और M+ से M पे गए जब क्या थी, E0R। वेरी गुड, ठीक है, और ये क्लियर। अब आप देखिए, इट मींस हमने कहा अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन होना है, यहाँ ये यानी ये रिएक्शन जो टेक प्लेस करेगी, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ओवरऑल हम देख रहे थे वो वैल्यू क्या होना चाहिए, ई जीरो माइनस ई आर माइनस ई जीरो एल, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और ये पॉजिटिव कब आएगा, ये पॉजिटिव उसी केस में आएगा जब ई आर की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, ई एल से। ये बात क्लियर है, ई आर की वैल्यू किससे ज्यादा होगी, ई एल से, यानी राइट साइड को जो आपका कपल है, ये एम प्लस और एम, जो ये कपल है, इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर ई एल से ज्यादा होगी, तभी ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, और यू कैन से ये पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और यू कैन से जो एम प्लस आयन है उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। ये चीज समझ में आ गई या नहीं समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो यानी कि लैटिमर डायग्राम में आपसे कोई ये पूछे कि बताइए ये पर्टिकुलर स्पीसीज, जो भी आपसे पूछा जाएगा वहां आपके पास डायग्राम ड्रॉ होगा कि ये इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं देखना, उस जिस भी स्पीसीज के बारे में पूछा जाए उसके राइट साइड को, ओके, उसके राइट साइड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेक कीजिए और उसके लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रोन की वैल्यू चेक कीजिए। अगर ई आर राइट साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ई एल से ज्यादा है, ओके बेटा, ई आर की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर इससे ज्यादा है, देन डेफिनेटली वो जो आयन होगा ना वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा इन टू डिफरेंट आयन, यानी कि एक इसमें भी डिसोशिएट हो जाएगा और इसमें भी डिसोशिएट हो जाएगा। ये बताइए ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके, क्लियर है ना, समझ में आ गई ना डिस्प्रोपोर्शनेशन? बेसिकली ये जो रिएक्शन जो लिख के दिखाई उसका मेन मोटो यही था, जो ये लिखी कि भाई इसका यही है कि भाई लैटिमर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो राइट साइड का हमें सिर्फ राइट साइड को देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है या नहीं है। अगर ज्यादा है इट मीन्स डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, अगर ज्यादा नहीं है वैल्यू इट मीन्स डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। ओके, आगे प्रोसीड करें बेटा, या किसी को कुछ पूछना है इसमें अभी? अब मैंने अगेन वही स्पेसिफिक वही चीज़ लेके आ गया हूँ, वही डायग्राम जो अभी हमने दो मिनट पहले डिस्कस किया था। अब इसमें से आप मुझे देख के ये बताइए, क्या हमारा जो एफ ई टू पॉजिटिव है ये, क्या इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन एफ ई और एफ ई प्लस थ्री में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नो सर। अच्छा, अब ये चीज़ और बताइए कि एफ ई प्लस थ्री का डिस्प्रोपोर्शनेशन इसमें एफ ई प्लस टू और एफ ई ओ फोर टू नेगेटिव में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नो सर। वेरी गुड, इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना डिस्प्रोपोर्शन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वैल्यू चेक करनी है। देखिए राइट साइड को जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिस आयन की बात कर रहे हैं उसकी ज्यादा है लेफ्ट साइड वाले के कंपैरिजन में या नहीं, अगर उसके कंपैरिजन में ज्यादा है पॉजिटिव में, याद रखना पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो कंफ्यूज मत होना वहां पर, ओके। चलिए लैटिमर डायग्राम है कुछ ये जनरली बेसिकली, ठीक है, वही बात है,
अब आप देखिए, अब मान लो ये आ गया हमारे पास, अब आप ये देख के बताइए H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेशन इसका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अच्छा देखो एग्जाम में एक चीज और बाद में बताना, मैं बता देता हूँ। एग्जाम में बेसिकली पूछा कैसे जाएगा ये क्वेश्चन, अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन और स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। अगर वर्ड है अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है डिस्प्रोपोर्शनेशन की, और स्टेबल है अगर वर्ड आएगा स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा तो वर्ड आएगा कि अनस्टेबल, अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। ओके, डायरेक्ट ये नहीं आएगा तो कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। आपने देखा कि राइट साइड को जो वैल्यू आई है 1.776 इज ग्रेटर देन 0.682 जो लेफ्ट साइड को है, इट मीन्स डेफिनेटली H2O2 इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। अनस्टेबल है ना, तभी तो टू डिकम्पोज हो रहा है उसके अंदर। ओके, इसको मैंने उसी टर्म में भी दिखाने की कोशिश की है, जैसे वो दो रिएक्शंस लिख ली पहले, ये जो ये तो हाफ सेल रिएक्शन की कंप्लीट, ये हाफ रिएक्शन टर्म में लिखा, ये मैंने कंप्लीट किया उस रिएक्शन को, बैलेंस किया है H2O2 प्लस ट्वाइस ऑफ H+2 इस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू टू टाइम्स ऑफ H2O। इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ये आ गया, ये आ गया, इसका माइनस करके दिखाया इस तरह से बेसिकली, और यहाँ से यही रिएक्शन बनती है बेसिकली। इसका डिस्प्रोपोर्शन अगर होगा तो इन दोनों में होगा, और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स क्या है, डेफिनेटली इसका ये दिस इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है बेटा, कॉपर का भी देख सकते हैं आप, कॉपर में भी देखिए एक लैटिमर डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब हमसे यही पूछा जाता है इसके बारे में बताइए कॉपर प्लस के बारे में कि इट इज वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो आपको कुछ नहीं करना, राइट साइड को देखिए, राइट साइड को आपको वैल्यू नजर आ रही है 0.50 है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, इट मींस डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, इट इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। ओके क्लियर। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन के रिगार्डिंग और लैटिमर डायग्राम के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो समझ में आ जाएगी ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नो सर। नो सर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, यानी कि ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम पे। किसी ने पढ़ा है फ्रॉस्ट डायग्राम के बारे में, कुछ है आइडिया फ्रॉस्ट डायग्राम क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, हमारे बच्चे वैसे भी बिजी हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है। बेसिकली ये फ्रॉस्ट डायग्राम जो है हमारा यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बेसिकली है क्या, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्रॉस्ट डायग्राम की हम बात करते हैं। बेसिकली इट इज अ प्लॉट ऑफ और यू कैन से ड्रॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिडक्शन पोटेंशियल अगेंस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एक तरह से प्लोटेशन है, ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं रादर, इस तरह से यूँ समझिए आप, किसके किस किसके बीच में है, प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू और ऑक्सीडेशन स्टेट है जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का उसका प्रोडक्ट, तो ये है, इसको हम वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करते हैं बेसिकली, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम एक्सिस के अलोंग जनरली प्लॉट करते हैं। बेसिकली किसी कपल की बात होती है, कपल से मतलब है कि आपका कोई एक्स एलिमेंट है या वाई है या जेड कोई भी एलिमेंट है, तो बेसिकली हम जब वो एक्स पर्टिकुलर ऑक्सीडेट मान लीजिए एन में एग्जिस्ट करता है और एक्स एन से जब वो एक्स जीरो तक जाता है, यानी कि वो जो कपल बन गया, जो ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जिसके लिए हम निकालने वाले हैं, तो उसके लिए एन ई एन रिप्रेजेंट्स फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जनरली हम डिस्कस कर रहे थे बट क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंशन कर रहे हैं तो हमने यहाँ एन क्या बताना है, इट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट, कैपिटल एन इसीलिए मैंशन किया है, स्मॉल एन मैंशन नहीं किया है, इलेक्ट्रॉन नहीं मैंशन कर रहे हैं हम, बेसिक कंसेप्ट तो वही है बट हम बता रहे हैं कि बेसिकली एन रिप्रेजेंट फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब हम उसको प्लॉट करते हैं तो बेसिकली वो हमारा क्या होता है, फ्रॉग डायग्राम कहलाता है जनरली। मान लीजिए ये कपल है एक हमारे पास, ये आया जैसे मान लीजिए एक्स एन, इसने एन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और एक्स जीरो बना दिया, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू ये थी बेसिकली। ठीक है बेटा, तो एन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट एन ई मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको प्लॉट करेंगे साथ में किसके साथ, इधर आ जाएगा आपका एन के प्लोटेशन में। ठीक है, एन इस तरह से ये चीज़ें होती हैं बेसिकली, ये इनका जो प्लॉट होता है वो आपको उसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, फ्रॉस्ट डायग्राम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे से पता है गिब्स फ्री एनर्जी किसी
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कैसे मेंशन रिलेट करते हैं, या अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो, ठीक है, एंड वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेंशन करते थे, यहाँ हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। एफ फैराडे कॉन्स्टेंट है, ये आपको बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसी रिएक्शन को, एन ई जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई एफ, लिख सकता हूँ या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स देखिए जो एन ई, एन ई मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिडक्शन पोटेंशियल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी की चेंज की, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्चुअल में बेसिकली जो फ्रॉस्ट डायग्राम है, ओके बेटा, फ्रॉस्ट डायग्राम कैन आल्सो बी कंसीडर्ड और रिगार्डेड एज ए प्लॉट ऑफ स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर। मतलब इसको इस तरह से भी एब्रिवेट कर सकते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एन ई जो ये आप एन ई है बेसिकली इसको वोल्ट इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, एन ई एनी मीन्स इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीजन स्टेट एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसको हम वोल्ट इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं, तो बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, गिब्स फ्री एनर्जी के। तो हम ये भी कह सकते हैं जो फ्रॉस्ट डायग्राम है बेसिकली इट इज़ ए प्लॉट ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन वर्सेज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब ये हमारा एक फ्रॉस्ट डायग्राम का डायग्राम है, जस्ट वेट ए मिनट, एक मिनट में मैं आपको मिलता हूँ, बस आप जस्ट डायग्राम को देखिए। अब बेसिकली आपको ये नज़र आ रहा सामने फ्रॉस्ट डायग्राम, ये डिफरेंट डिफरेंट कपल्स के लिए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं जो जहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको नाम दे दिया ए बी सी डी ई, ये पर्टिकुलर एक तरह से कोई स्पीसीज हैं, स्पीसीज से मतलब है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेट के अंदर जो कंपाउंड जो मिल रहे हैं जहाँ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के, उनके लिए हैं। तो ये कपल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज कर लिए हैं, मतलब एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। अब अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में कि एक तरह से गिव्स फ्री एनर्जी का प्रोटेशन है किसके अगेंस्ट, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, ओके बेटा। ये जो एन ई जो आपको राइट साइड को जो एन ई नज़र आ रहा है, ये राइट साइड को जो एन ई नज़र आ रहा है, इट मीन्स क्या, एक तरह से ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ही है, ठीक है। अब आप देखिए गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है, इट मीन्स जब हम किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं या किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जनरली जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होगी उतना ही स्टेबल स्टेट होता है ना। तो आप देखिए जो सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होगा वो लोवेस्ट लेवल पे होगा, इधर इधर सबसे नीचे होगा, क्लियर। तो आप देखिए इनके अंदर ये जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, तो उन स्पीसीज का जिस जो एलिमेंट जो सबसे लोवेस्ट स्टेट पे होगा जो यहाँ पर, वो सबसे उस स्टेट के अंदर, वो स्टेट का जो ऑक्सीजन स्टेट होगा उस एलिमेंट का, वो सबसे स्टेबल होगा, जो लोवेस्ट वन होगा वो कोरस्पोंड किस चीज़ को करेगा, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, जो फ्रॉस्ट डायग्राम के अंदर लोवेस्ट पोजिशन पे होगा,
ये क्लियर है पिक्चर, समझ में आ गई ये बात जो मैंने अभी अभी आपको बोला है? इसको कोरिलेट इसलिए किया मैंने गिब्स फ्री एनर्जी के साथ ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई फ्रॉस्ट डायग्राम दिखता है आप देखते हैं तो आप उसमें देखिए कि कोई भी एलिमेंट जिसके आपने फ्रॉस्ट डायग्राम ड्रॉ किया है या आपको मिला है, ठीक है, तो कोई भी स्पीसीज देखिए जो लोवेस्ट लेवल पे होगा, और जो लोवेस्ट लेवल पे होगा सबसे वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट किस चीज को करेगा, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर आपको ये पिक्चर बेटा, ये चीज समझ में आ गई जो मैंने अभी आपको बताया? यस यस सर। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये मेनली बेसिकली ध्यान इसलिए रखना कि आपको पता लग जाए, अगर वो आपसे डायग्राम शो करके पूछ ले कि मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सा होगा इसके अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होने के, जो दिमाग लगाने जरूरत नहीं, क्या होगा जस्ट देखिए सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। अब उसी फ्रॉस्ट डायग्राम से रिलेटेड दो तीन चीजें और डिस्कस करते हैं। बेसिकली द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इन द फ्रॉस्ट डायग्राम फॉर्म्ड इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द कपल by the two species represented by the points। ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये डायग्राम आ गया है, ठीक है, फ्रॉस्ट डायग्राम आ गया है, मान लीजिए ये दो स्पीसीज इनके बीच, इन कपल के बीच के अंदर ये बना हुआ है, इस कपल के बीच में ये बना हुआ है। तो ये कह रहा है कि जो ये दो स्पीसीज हैं जिनके बीच में आपने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है इनको, अगर आपको इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, अगर आप स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, ओके, तो वो स्लोप किसके बराबर होगा, बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल टू द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दैट कपल। क्लियर है? अगर ये दो पॉइंट्स हैं जो मान लीजिए इसके बीच की बात हो जाए, या इन दो पॉइंट्स के बीच के अंदर आप कैलकुलेट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो, या इन दोनों के जो स्पीसीज हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो जो आपकी लाइन है इसका आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, या इसका निकालना चाहते हो तो इसका स्लोप निकालना, जो स्लोप आएगा वो बेसिकली क्या होगा हमारा, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल को। इज इट ओके बेटा, ये चीज़ समझ में आई आपको? yes, कुछ यस सर। क्योंकि आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो चीज़ें ईजी हैं आपके लिए समझना, कोई इशू नहीं। जैसे आप स्लोप निकालते थे ना, y2 minus y1 is equal to divided by x2 minus x1, ये निकालते थे स्लोप कहीं, ये फार्मूला कहीं पढ़ा था आपने, है ना, सेम पैटर्न पे। तो जनरली अगर हम किन्हीं दो स्पीसीज के बीच के जो लाइन, जो कनेक्टिंग लाइन है, अगर हम उसका स्लोप निकाल लेंगे तो बेसिकली वो हमारे स्टैंडर्ड पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट करता है। ओके, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स क्या है कि किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर वो जो लाइन जो है ये, अगर वो स्टीपर ज़्यादा है यानी कि स्लोप ज़्यादा है, ओके, तो इट मीन्स क्या होगा कि उस पर्टिकुलर कपल के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि स्लोप ज़्यादा होगा, इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, स्टीपर कम होगी, स्टीपर से मतलब है जो एकदम स्लांट पोजीशन जो होती है उसका स्लोप एंगल कितना बना हुआ है, हायर एंगल पे लोअर एंगल पे, ओके, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, अगर स्टीपर ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा। एंड वी कैन ईजिली प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एनी टू कपल बाय कंपेयरिंग द स्लोप ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग लाइन्स। ये कहना चाह रहा है कि ऑब्वियसली बात है बेटा कि दो दो कपल्स का अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख लें तो स्पॉन्टेनिटी भी चेक कर सकते हैं कि होंगी क्या, बेसिकली ऑब्वियसली बात है हम देख सकते हैं कि किसके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, किसके लिए हमें कम है, तो बेसिकली ये ग्राफ से हम शो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, इन ये जो दो कप, ये जो कपल है, ये दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन बनी हुई है ये स्टीपर ज़्यादा है, है ना, स्टीपर ज़्यादा है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। बट यहाँ देखिए, यहाँ स्लोप थोड़ा सा कम है, स्टीपर कम है ये, ओके, तो स्लोप की वैल्यू कम है, इट मीन्स क्या है, यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो हम बता सकते हैं जस्ट फ्रॉस्ट डायग्राम को देख के कि जनरली किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। इफ द स्लोप इज मोर पॉजिटिव द ग्रेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द कपल। ये लाइन का मतलब आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई समझ पा रहा है आप में से तो। इफ द स्लोप इज मोर पॉजिटिव,
the greater is the oxidizing power of the couple. सर वो खुद एलिमेंट इजीली रिड्यूस हो सकता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा. वेरी गुड. देखिए बेटा अब एक चीज देखिए, ये कह रहा है स्लोप इज मोर पॉजिटिव. स्लोप इज मोर पॉजिटिव मींस क्या है, जितनी ज्यादा लाइन स्टीपर होगी, ठीक है, ओके, मतलब पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नेगेटिव नहीं. स्लोप तो देखो ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, बट हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव. अब मान लीजिए इस कपल को ही देख लेते हैं हम एक मिनट के लिए. कपल से मतलब है ये दो स्पीसीज का कपल जो बना हुआ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट. ये पॉइंट हायर पोजीशन पे है, यहाँ इस हायर पोजीशन पे है, इस जगह है, और ये यहाँ है. इट मींस क्या है, डेफिनेटली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है. ये चीज़ क्लियर है इसके कंपेरिजन में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के साथ इसको वो कर रहे हैं ना. तो इस स्पीसीज के अंदर जो एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन हायर है, उसने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, तो डेफिनेटली उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेसिकली, हम जो बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस क्या, द सब्सटेंस व्हिच हैव अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दैट सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस द अदर. ओके, यानी कि वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए, जिसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन करने की. ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज द ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा स्पीसीज होता है बेसिकली, जिसका खुद का रिडक्शन हो जाए और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका, जिसने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखे, तो डेफिनेटली उसकी टेंडेंसी होगी कि मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करूं. तो बेसिकली अगर किसी का स्लोप मोर पॉजिटिव है, स्लोप मोर ऑब्वियसली बात है बेटा, ये जो कपल है ना, जो जिनकी आप बात कर रहे हो, इस पे ये हायर पोजिशन पे है. ओके, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट. तो इट मीन्स इसका अगर स्लोप ज्यादा है, इट मीन्स क्या है, दिस इज एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस कपल. और यू कैन से इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी कि ये रिड्यूस हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे. ये चीज क्लियर है या नहीं आप लोगों को? यस सर. देखो बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है आप बेशक बता सकते, कोई इश्यू नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि हम मीटिंग में इसीलिए मिले हैं कि ये चीज़ें जो हम पढ़, हमें टाइम नहीं लग पाया था उस टाइम, तो हम पढ़ रहे हैं ये, ठीक है. अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ लेना, कोई इशू नहीं. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर किसी कपल के अंदर स्लोप ज़्यादा पॉजिटिव है, इट मीन्स क्या हो, कपल क्या है, ग्रेटर पोलराइजिंग पावर को देगा. अगर आपका स्लोप की टेंडेंसी क्या है कि मोर नेगेटिव है, तो देन ग्रेटर इज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द कपल, वो उसका रिवर्स. क्लियर? From the Frost diagram, we can calculate conclude all these things. Stability of a particular state. यानी कि Frost diagram को हम देख के definitely बता सकते हैं किसी particular state की stability. Definitely जैसे हमने देखा कि जो lower side होगा जितना, वो oxygen state उतना ही ज़्यादा stable होगा, है ना. तो यानी कि Frost diagram को देख के हम ये conclusion निकाल सकते हैं कि जो different species हैं वो कहाँ exist कर रहे हैं, तो वो stable होंगे या नहीं होंगे. The steeper the line joining the two points in a Frost diagram, the higher the potential of the corresponding couple. Obviously बात है, जितना ज़्यादा स्लोप स्टीपर लाइन होगी, definitely उनका पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी उन पर्टिकुलर कपल के लिए. The oxidizing agent in the couple with more positive slope, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया, is liable to undergo reduction. Obviously बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही वही होता है जिसका खुद का रिडक्शन होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसका. ऑब्वियसली बात है, और कपल के अंदर जिस भी स्पीसीज का ज़्यादा पॉजिटिव स्लोप होगा, डेफिनेटली वो एक्ट करेगा किस तरह, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ऑब्वियसली बात है, अगर लेस पॉजिटिव स्लोप होगा उस कपल के अंदर, तो वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और इट इज लाइबल टू अंडरगो ऑक्सीडेशन. ठीक है बेटा. एंड प्रेडिक्ट्स डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड कम प्रोपोर्शनेशन. ये पाँच पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं हमें, जो कि हम कंक्लूड कर सकते हैं फ्रोस्ट डायग्राम से. पांचवें पॉइंट को अगर मैं छोड़ दूं, तो ऊपर के जो चार पॉइंट हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गए अब तक के लेक्चर में कि इनको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं फ्रोस्ट डायग्राम को देखें. यस सर. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हाँ पूछ सकते हो. चार पॉइंट क्लियर हो गए, पांचवा पॉइंट अभी मैं जस्ट अभी डिस्कस करने वाला हूँ. चलिए,
चलिए मैं डिस्प्रोपोर्शन पे जाने से पहले पहले दो बार ये एक दो एग्जांपल है उनको भी डिस्कस कर लेता हूँ. बेसिकली स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है, नज़र आ रही है बेटा आपको, ये डायग्राम नज़र आ रहा है, स्पीसीज नज़र आ रहे हैं जो मैंने मैंशन किए हैं. ठीक 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 ठीक. तो ये जो बेसिकली हमारा जो फ्लोस डायग्राम है बेटा, ये फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए है अंडर बेसिक कंडीशंस. ओके, बेसिक कंडीशंस में इस तरह का हमारा फ्लोस डायग्राम बेसिकली बनता है. इसमें से जैसे हमने क्या देखा, इस स्टीप स्लोप कनेक्टिंग HNO3 टू द लोअर ऑब्स्ट्रेट. अब आप देखिए इस पूरे ही डायग्राम के अंदर HNO3 कहाँ नजर आ रहा है आपको, दिख रहा है NO3 नेगेटिव, ये रिप्रेजेंट कर रहा है HNO3 को ही. यहाँ HNO3 लिख दिया बेसिकली नाइट्रेट आयन, ओके, क्योंकि H पॉजिटिव यूज किया हुआ. तो ये देखिए ये इस पोजिशन पे है और ये इसके नीचे है ना जो कनेक्टिंग लाइन्स पे वो कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, इट मीन्स क्या है, ये हायर पोजिशन पे है, इट मीन्स दिस इज एन एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, अभी हमने डिस्कस किया ना कि जिसका पॉजिटिव स्लोप ज्यादा होगा, जिस स्पीसीज के अंदर पॉजिटिव स्लोप ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर कपल के अंदर किसी का, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका पॉजिटिव स्लोप ज्यादा होगा. तो यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है स्पीकर से, कि जैसे मान लीजिए ये कनेक्टिंग लाइन है इस कपल के लिए NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव के बीच में, तो डेफिनेटली ये हायर साइड पे है, पॉजिटिव स्लोप इसका ज्यादा है. इट मींस क्या है, दिस इज एक्ट एज एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर है, जो चीज हमने डिस्कस की वही हमने एक एग्जांपल से भी देखी है. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए बेटा इसमें. क्लियर है, आगे प्रोसीड करें. यस सर. चलिए अब आई थिंक एनिमेशन में मुझे कहीं गलती होगी होगी शायद, इस वजह से ये नीचे वाला लेफ्ट साइड का जो पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन आ गया हो मे बी. तो अब आप देखिए इसके अंदर द फॉलोइंग कपल्स हैव लार्ज पॉजिटिव स्लोप एंड देयरफॉर एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमें इसमें देखना है कि लार्ज स्लोप किस किस के हैं जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट की तरह एक्ट करेंगे. बेसिकली हमें देखना है, सिर्फ स्लोप देखना है बेसिकली, कि इनका स्टीपर लाइन ज़्यादा कैसे हैं. जैसे N2O4 NO2 नेगेटिव, देखिए N2O4 ये चीज़ है बेटा, ये नज़र आ रही है, और NO2 ये है, यानी कि ये जो कपल है. अब आप देखिए स्टीपर है लाइन, कितना स्टीपर है ना, स्टीपर है, स्लोप ज़्यादा बनेगा. इट मींस क्या है, ये कपल क्या करेगा, किस तरह एक्ट करेगा, दिस इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग. और दूसरे कपल भी देख सकते हैं हम ऐसे ही, जैसे कि NO और N2O नेगेटिव, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इनका स्लोप काफ़ी स्टीपर है, लाइन जो है काफ़ी स्टीपर है, तो डेफिनेटली स्लोप ज़्यादा होगा. स्लोप ज़्यादा होगा इट मीन्स एक कपल किस तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह. NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया ही था पिछले फिगर के अंदर, ये वाला NO2 नेगेटिव और NO3, इनका भी स्टीपर लाइन काफ़ी है स्लोप का, तो स्लोप काफ़ी होगा, लाइन का स्टीपर काफ़ी है इस वजह से, तो इट मीन्स क्या, ये भी एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसी तरह कुछ कपल्स वो होंगे हमारे जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे. अब उनका देखें, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ ये सारी को, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. N2H4 और N2, मान लीजिए मैं यहाँ से एक स्टीपर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्ट कर दूँ, मान लीजिए ये वाली लाइन N2H4. अब ये देखिए ये पॉजिटिव साइड नहीं है, ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव स्लोप है, ध्यान से देखिए, नेगेटिव स्लोप बनेगा ना ये N2H4 से N2 पे, अगर मैं एक लाइन कनेक्ट करूंगा तो इसका, यस और नो? यस सर. है ना, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव स्लोप बनेगा. इट मींस ये कपल किस तरह एक्ट करेगा, दिस इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके बेटा, और इसके अलावा भी जो भी नेगेटिव स्लोप के साथ जो होंगे वो सारे के सारे कपल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, जस्ट लाइक दैट. ये N2 NH2OH ये भी नेगेटिव कपल है, जस्ट लाइक दैट. तो यानी कि फ्रोस्ट डायग्राम को देख के आप बता पाओगे ना आपकी कौन सा कपल ऑक्सीडाइजिंग कपल की तरह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की तरह कौन सा करेगा. क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर. चलिए आगे प्रोसीड करते हैं. अब आ जाते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन. डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको अच्छे से पता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होता क्या है. हमें सिर्फ ये देखना है कि फ्रोस्ट डायग्राम में जब हम
किसी स्पीसीज को देख रहे होंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहले तो लैटिमर डायग्राम का तो हमें समझ में आ गया कि जिस स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं उसके राइट साइड वाला इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू देखिए और उसके लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की देखिए और फिर देखिए राइट साइड की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है या कम है ये लेफ्ट वाले से, बस वही देखना था। अब हम देखते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम में, हम इसको कैसे फ्रॉस्ट डायग्राम को देखिए कैसे बता पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज अनस्टेबल है या स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। ध्यान से पढ़ना इस लाइन को जो मैं अभी अंडरलाइन करने वाला हूँ। ए स्पीसीज इन ए फ्रॉस्ट डायग्राम इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन इफ इट्स पॉइंट lies above the line connecting the two adjacent species. In other words, a species will undergo disproportionation only if its point lies above the line connecting the two adjacent species. ये कहना चाह रहा है कि जिस species की हम बात कर रहे हैं कि वो disproportionation होगा या नहीं होगा या वो, तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि मान लीजिए दो जिसके अंदर वो डिस्प्रोपोर्शनल होगा, जिस आयन जिस स्पीसीज को हम दो डिफरेंट स्पीसीज में जो डिस्प्रोपोर्शनल कराना चाहते हैं, अगर वो स्पीसीज उनकी जो कनेक्टिंग लाइंस के अगर ऊपर अबो पोजीशन पे अगर ये स्पीसीज है जिसका डिस्प्रोपोर्शनल होगा अगर वो है तो डिस्प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं इसको डायग्राम से करता हूँ कन्फ्यूज ना हो। अब इस डायग्राम में देखिए आप ध्यान से, एक स्पीसीज ये है बेटा और एक स्पीसीज ये है, इन दोनों की कनेक्टिंग लाइन ये वाली होगी, क्लियर है। और एक ये स्पीसीज है, हम बात कर रहे हैं कि ये स्पीसीज का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा, यानी कि ये अनस्टेबल है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब ये डिस्प्रोपोर्शन किस में होएगा, एक तो इससे इस स्टेट में लोअर स्टेट में उस स्टेट में और एक इससे हायर स्टेट के। तो ये कह रहा है कि अगर ये जो दो लाइनें हैं जो दो दो स्पीसीज हैं जिनकी जो कनेक्टिंग लाइन है अगर इस लाइन से अबो ऊपर की तरफ अगर ये स्पीसीज एग्जिस्ट करता है तो उसका डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब आप देखिए इनमें इन दो कनेक्टिंग लाइन के ऊपर ही है ये, इट मींस डेफिनेटली दिस स्पीसीज गोन्स फॉर डिस्प्रोपोर्शन, यानी कि इसका डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा और यू कैन से दिस इज unstable with respect to disproportionation, just like that. यहाँ इसका disproportionation हो जाएगा और ये किस में dissociate हो जाएगा, एक तो इसके अंदर species में और इसमें, यानी कि आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जिस species का disproportionation होगा वो क्या वो जिन दो species में dissociate होने वाला है उनकी जो connecting line है क्या उससे ऊपर है या नहीं है। अगर वो उससे ऊपर है तो इसका disproportionation होगा। अगर मान लीजिए यही point नीचे आ जाए, ये पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट बेटा, यहाँ से हटा के मैं यहाँ रख दूँ तो ये इस कनेक्टिंग लाइन से नीचे है, इट मीन्स इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। क्लियर है ये बात, गॉट इट? यस सर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है फ्रॉस्ट डायग्राम के अंदर आपको कि जो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर डिसोसिएट होने वाला है जो आयन क्या वो उसकी कनेक्टिंग लाइन से ऊपर है या नहीं है, ऊपर है तो डेफिनेटली दिस इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन, अदरवाइज नॉट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास स्पीसीज है N2O4 क्या इसका डिस्प्रोपोर्शन होगा, क्या दिस इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पीसीज इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शन और नॉट, और किस किस में डिसोशिएट होगा ये NO3 नेगेटिव और NO2। हमें सिर्फ कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ये दो स्पीसीज हैं इनकी जो कनेक्टिंग लाइन है इससे ऊपर ये पॉइंट है या नहीं है, सिर्फ इतना ही देखना है। तो अब आप देखिए आपको ऊपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? Yes, sir. It means definitely N2O4 go for disproportionation. तो definitely N2O4 का disproportionation होगा NO2 और NO3 negative. ठीक है बेटा?
ये पॉइंट जो अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया था ना N2 का, ये वहां से उठाया है, उसमें से एक छोटा सा उठाया पोर्शन, वो तो बहुत बड़ा डायग्राम था, तो उसमें से एक चीज उठाई है सिर्फ समझाने के लिए। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब वर्ड आता है कम प्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन तो हमने पढ़ लिया, अब क्या है कम प्रोपोर्शनेशन क्या है। ओके, ये डिसप्रोपोर्शन का रिवर्स है। ओके, डिस्प्रोपोर्शनेशन में अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, डिस्प्रोपोर्शनेशन में हम पढ़ रहे थे कि एक स्पीसीज डिसोशिएट हो जाती है या डिकम्पोज हो जाती है दो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर, एक लोअर होमस्टेट की और एक हायर होमस्टेट की, उसके कंपैरिजन में। ये उसका उल्टा है, इट मीन्स क्या है, यहाँ पर दो स्पीसीज आपस में कंबाइन होंगे। ओके, वो क्या होंगे, कम प्रोपोर्शनेट होंगे। ओके, और एक वो जो इंटरमीडिएट बीच का स्पीसीज है उसमें बन जाएंगे, यानी कि दो स्पीसीज आपस में मिलकर तीसरी स्पीसीज बनाएंगे। क्लियर है बेटा? अब इसको कैसे देखेंगे क्रॉस डायग्राम के अंदर, सो सिंपल, जो उस हमने कहा ना ये उसका रिवर्स है, तो हमें बस वही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान ही नहीं रखना। टू स्पीसीज विल टेंड टू कम प्रोपोर्शनेट इनटू एन इंटरमीडिएट स्पीसीज दैट लाइज बिलो द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू टर्मिनल्स। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये दो स्पीसीज हैं जो आपस में ये कम प्रोपोर्शनेट करेंगी इसके अंदर या नहीं। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ये इनकी कनेक्टिंग लाइन है ना, इससे नीचे पॉइंट है या नहीं। अगर ये इससे नीचे पॉइंट है तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये बना देंगे, यानी कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा इन दोनों, जस्ट लाइक दैट। राइट साइड को आप देखिए, है ना, अब ये पॉइंट नीचे है, इट मीन्स क्या, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और ये बना देंगे। ये आपका कहलाता है कम प्रोपोर्शनेशन। ये समझ में आ गया या नहीं बताइए आप पहले। यस सर, यस सर। अब एक एग्जांपल देखते हैं इसको भी, जैसे हमने उसके लिए एग्जांपल देखा था। हमें क्या देखना है इसके अंदर कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO एंड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, ये आपस में कंबाइन करके नाइट्राइट आयन NO2 नेगेटिव बनाते हैं या नहीं बनाते, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है या नहीं है। तो चलिए उसका ग्राफ देख लेते हैं। अब आप देखिए, हम कह रहे हैं कि NO नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं बेसिकली इसको, ठीक है, और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये हम कह रहे हैं कि क्या ये दोनों कम, इनका कम प्रोपोर्शनेशन होगा, यानी कि ये दोनों मिलके क्या ये बनाएंगे NO2? तो अब आप देखिए, इनकी जो कनेक्टिंग लाइंस ये है, ये पॉइंट इनसे नीचे है, तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों कंबाइन करके NO2 बना लेंगे, यानी ये कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, थर्मोडायनामिकली फेवरेबल है कंडीशन। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं बेटा, साथ के साथ पूछ लीजिए। सबको समझ में आ गया सबका? यस सर। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल तो बहुत है मेरे पास, बट एक एग्जांपल करके देखते हैं कि क्या हम चीजें सीख पाए, जैसे कि जनरली एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बस एक ही एग्जाम्पल करेंगे। आई मैं समझ सकता हूँ आपको एक घंटे से ऊपर हो गया है लेक्चर में बैठे हुए और ऑनलाइन डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मे भी शायद हो सकता है मुश्किल हो आपके लिए, बट एनी हाउ बस 5-7 मिनट और लेंगे, बस ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। हमारे सामने लैटिमर डायग्राम आ गया थैलियम के लिए, आपको सब कुछ नज़र आ भी रहा होगा अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको लैटिमर डायग्राम दे दिया है कि, और फिर कहा जाए कि कंस्ट्रक्ट द फ्रॉस्ट डायग्राम, एग्जाम में आ जाता है कभी कभार, श्योर नहीं है हर बार आएगा बट आ जाता है, तो क्या आप बना लोगे? ठीक है, पहली चीज, नो डाउट, है ना, नो डाउट। अभी अभी हमने पढ़ा है तो हो सकता है शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, कैसे बनेगा, डोंट वरी, अभी हम डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ। इसके साथ साथ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ थैलियम आयन, थैलियम एक्चुअल में ये TI लिख दिया, ये थैलियम होना चाहिए था, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, TI नहीं है, ये थैलियम है ये वाला ना, ये टाइटेनियम नहीं है ये। ओके,
ये इसमें थोड़ा सा गलत नज़र आ रहा है, TL होना चाहिए था, ये I आ गया, ठीक है। तो आपको प्रेडिक्ट करना है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ थैलियम आयन, यानी कि ये वाले इसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है। एक क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्पीसीज इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बेसिकली ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक, बस ये क्वेश्चन कि भाई होगा कैसे, सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा कि हमें फ्रॉस्ट डायग्राम बनाना है। अब फ्रॉस्ट डायग्राम के लिए हमें अच्छे से पता है कि हम जो प्लोटेशन है हमारी वो वोल्ट इक्विवेलेंट और यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ एन ई को एक्सिस के अलोंग लेंगे और एक्सिस के अलोंग एन, एन रिप्रेजेंट्स द नंबर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर है। इसको ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम करना क्या है, अब देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो आपकी जो ये थैलियम के हैं ये प्लस थ्री स्टेट में है, ये प्लस वन स्टेट में है और ये जीरो स्टेट में है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्योंकि हमने कहा था वहाँ कपल के लिए होता है जो ऑक्सीडेट, जो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वोल्ट इक्विवेलेंट की बात करते थे ना, जो हम एन ई प्रोडक्ट की बात करते हैं वो किसी कपल के लिए होता है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं थैलियम ये वाला जो कपल है इसकी बात कर लेते हैं पहले की बात। थैलियम जीरो टू थैलियम वन आयन तक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 0.34 और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 1 है, यानी कि नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे e मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। n e मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू माइनस 0.34 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास n e की वैल्यू इस पर्टिकुलर कपल के लिए, इस पर्टिकुलर कपल के लिए वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। एक चीज, दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं थैलियम 3 आयन से थैलियम 0 के बीच में, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0.73 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चेंज है या ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो 3 है, तो वही अगेन मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका भी एन ई, एन क्या है नंबर ऑफ स्टेट तो 3 है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0.73 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 2.19, ओके क्लियर है। यही वैल्यू आ गई जो हमने अभी अभी पिछले स्लाइड पे हमने निकाली थी, यहाँ तक पहुँच गए, कर लोगे यहाँ तक, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक, नो सर। एम आई ऑडिबल बेटा मेरी, चलिए ठीक है बेटा। अब उसके बाद आपका काम यही है ग्राफ में, ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस लोगे आप पहले, है ना, वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस के लोग ऑक्सीडेशन नंबर लोगे, ओके इधर आपका प्रोडक्ट ऑफ ये करोगे। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने बस यही जो ग्रोथ ग्राफ प्लॉट करते हो बस वही चीज़ देखनी है आपने, यानी एन ई की वैल्यू ये और एन की वैल्यू 1, बस यही चीज़ कहेंगे। एन आपका यहाँ है, ये है एन और एन ई की वैल्यू ये, यानी ये एन की वैल्यू 1 है, यानी इसके ऊपर आपने देखना है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.34 माइनस का है, यानी कि माइनस 1 तो ये है, तो या इससे नीचे ही होगा कहीं, यहीं आसपास यहाँ होना चाहिए, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास, ठीक है बेटा यहाँ होना चाहिए कहीं आसपास। दूसरी वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 3 है, यानी कि यहाँ और इसकी वैल्यू क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की 2.19, यानी कि इस ऊपर जाओगे तो 2.19 2 के सामने देखिए, यहाँ लगभग लगभग यहाँ के आसपास होनी चाहिए वैल्यू, ओके। ग्राफ ऐसा नहीं आएगा बट मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा आइडिया। और एक थैलियम तो आपका जीरो ऑक्सीडेशन के सामने है ही यहाँ, ठीक है, बेसिकली ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, थैलियम तो जीरो है ना बेटा, एन की एन ई की वैल्यू भी जीरो है इसके लिए क्योंकि तो न्यूट्रल सॉलिड है, और ये ऑक्सीजन स्टेट भी इसका जीरो है इसके सामने यहाँ, ठीक है समझ में आ गया ये ग्राफ प्लॉट कैसे करना है, अगर इन केस आ जाए तो कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे। यस सर, यस सर, ठीक है प्रैक्टिस करोगे चीजें हो जाएंगी, कोई इशू नहीं। अब हमसे पूछा गया था कि थैलियम आयन है जो कि उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, बेसिकली यूं बात कर रहे हैं कि वो इट इज इसका डिस्प्रोपोर्शन होगा या नहीं होगा, बेसिकली ये चीज थी। अब आप देखिए, अब जो थैलियम आयन है ये वाला जो बीच वाला थैलियम आयन है, ऑब्वियस सी बात है इसका जो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा क्या, तो थैलियम और साथ में थैलियम प्लस 3 के अंदर होगा।
अब जो इनकी जो कनेक्टिंग लाइन है, उनकी जो कनेक्टिंग लाइन है, पॉइंट उससे ऊपर होना चाहिए किसी स्पीसीज का इनमें डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के लिए, है ना। बट ये पॉइंट कहाँ है, नीचे। इट मीन्स क्या है, जो थैलियम आयन है इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। और राजीव गांधी से ये पॉइंट नीचे है, इसे तो थर्मोडायनेमिकली थैलियम आयन इज द मोर स्टेबल आयन। ओके, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, तो स्लोप देखिए सबसे ज्यादा किसका है, थैलियम 3 पॉजिटिव, है ना। ये पॉइंट है, इसका जो पॉजिटिव वैल्यू स्लोप की वो सबसे ज्यादा आ रही है। इट मींस क्या, थैलियम प्लस 3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप बताइए चीजें आपको समझ में आ गई या नहीं, लैटिमर और फॉस डायग्राम। यस सर। आई थिंक मीटिंग में 10-11 बच्चे हैं, बट बोल कुछ ही रहे हैं, सारे क्यों नहीं बोल रहे हैं, नाराज हैं कुछ बच्चे? है बेटा,